मित्रों, मेरा सौभाग्य है कि झारखंड की इस पवित्र धरती पर आने का मुझे अवसर मिला। आज मैं रामगढ़ में हूं, मां छिन्न मस्तिका के चरणों में प्रणाम करता हूं। और जो हालत मैंने यहां देखे हैं, जो कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया है, पूरा झारखंड बेहाल है। ऐसी लूट, बालू की लूट, खनिज की लूट, संसाधनों की लूट, सरकारी योजनाओं में से लूट कि जिसके देख के मन तकलीफ से भर जाता है। झारखंड को तबाह और बर्बाद ये गठबंधन की सरकार कर रही है, और ये ऐसी सरकार जिसने एक वादा नहीं निभाया। बेरोजगारों को नौकरी का आता पता नहीं, पेपर लीक ने और उनका भविष्य तबाह कर दिया है, बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं है, 6-6 महीने से पेंशन नहीं मिली लोगों को, मुझे बताया 6-6 महीने से पेंशन नहीं, योजनाओं की घोषणा होती है लाभ नहीं, किसान परेशान है, बिजली नहीं मिल रही उसको, 6-6, 7-7 घंटे मुश्किल से बिजली आती है। और जैसी घुसपैठ झारखंड की पवित्र धरती पर हो रही है, उसके कारण झारखंड का भविष्य इस सरकार ने अंधकारमय कर दिया है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस कुशासन का अंत करेगी और सुशासन फिर से झारखंड में स्थापित करेगी। कार्यकर्ता हमारे उत्साह से भरे हुए हैं, वैसे भी 14 में से 9 सीटें हमने जीती हैं, मनोज जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, 52 सीटों पर हम आगे हैं। और जो हालत झारखंड की इस सरकार ने की है, और जनता अराजकता के जैसे राज में जी रही है, अब ये मन बना चुकी है कि झारखंड से गठबंधन को उखाड़ के फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी को लाना है। चंपई सोरेन जी का दोष क्या था कोई ये तो बता दे, उनको पहले बनाया और फिर ऐसे हटा दिया। एक आदिवासी नेता जिसको आपने बनाया उसको सहन कर लेते कुछ दिन, लेकिन सत्ता की भूख ऐसी है कि एक परिवार के अलावा दूसरा कोई ना आ जाए। ये चंपई जी का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी, मैं यहां एनडीए गठबंधन लोकसभा के चुनाव में काम कर रहा था, और आगे भी हम लोग सब चीजों पर विचार विमर्श करके हम साथ आगे बढ़ेंगे। सर, आप कार्यकर्ता के यहाँ भोजन करने जा रहे हैं, वहाँ पर 860 में 804 वोट आया है, कैसे देखते हैं सर कार्यकर्ता का सम्मान? देखिए, कार्यकर्ता ही मेहनत करता है। ये भारतीय जनता पार्टी नेताओं की नहीं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और हम जैसे नेता भी कार्यकर्ता ही हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अगर पार्टी की आत्मा है तो कार्यकर्ता प्राण है, प्राण। इसलिए कार्यकर्ताओं के घर जाना, उनसे भाई की मित्र की तरह मिलना, उनको सम्मानित करना, ये हमारा स्वभाव है और संस्कार है। और इसलिए हम हर जगह अपने कार्यकर्ताओं जिनने भरपूर परिश्रम किया है और पार्टी को जिताया है, उनका सम्मान कर रहे हैं। अभी हमारे विधानसभा सम्मेलन होने वाले हैं कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए, क्योंकि यही कार्यकर्ता पार्टी को जिताने के लिए जी जान एक करता है।